हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इग्नू के BLIS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो क्या चांसेस हैं कि आप BLIS का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम BLIS देख लेते हैं होता क्या है। इट इज़ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। तो ये एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का। इस डिग्री को प्राप्त करके, यदि आपने इस डिग्री को प्राप्त कर लिया, एक ही साल का कोर्स है, इसको प्राप्त करने के बाद आप लोअर लेवल और मिडिल लेवल की जितनी भी लाइब्रेरियंस की जॉब निकलती हैं आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर अदर कंडीशंस नहीं है तो। अदर कंडीशंस जैसे कभी कहीं पर वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा होता है तो थोड़ा वर्किंग कंडीशन अलग अलग होता है। बट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एट लोअर एंड मिडिल लेवल जॉब्स ऑफ अ लाइब्रेरियन। देखिए, इस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ हम इग्नू के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। अगर आप इग्नू से करना चाहते हैं तो देखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है और आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर है तो आप इस कोर्स के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यदि आप बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PH कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी से, तो आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं तो भी आपका एडमिशन इग्नू ले लेगा। सेकंड क्राइटेरिया, ग्रेजुएट विद डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन लाइब्रेरी साइंस। देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं BLIS की, ऐसे ही DLIS एक कोर्स होता है जिसमें डिप्लोमा मिलता है आपको लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का। तो यदि आपने वो DLIS किया है तो आप BLIS के लिए एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। थर्ड क्राइटेरिया, ग्रेजुएट विद 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ लाइब्रेरी या फिर इन्फॉर्मेशन सेंटर। आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ ही साथ आपको किसी लाइब्रेरी या किसी इन्फॉर्मेशन सेंटर में काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस है। आपने किसी भी लाइब्रेरी में 2 साल तक काम किया हो तो आपके पास एक वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पड़ा होगा और आप ग्रेजुएटेड भी हैं तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप इस कोर्स के लिए एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, इन तीनों में से आपका कोई भी अगर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, यानी कि आपने इन तीनों में से कोई सा भी एक पॉइंट आपके फेवर में बन रहा है, तो आप BLIS के लिए बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं और आप एक लाइब्रेरियन बन सकते हैं। थैंक यू।